असलमकूम मैं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एन आर ओ अब की बार नाजिन आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से 2018 में जैसा कि आप जानते होंगे 2018 में एक एक्ट पास हुआ था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट के नाम से जिसका मकसद था कि ट्रांसजेंडर्स को एकवली रिए जाएँ लीगली उनको कंसिडर किया जाए जेंडर डिस्क्रमिनेशन ख़त्म की जाए ताकि वो पब्लिकली ट्रैवल कर सकें विदाउट इनसेटी वो जॉब्स कर सकें और वो आगे बढ़ सकें इस एक्ट के अगर ऑब्जेक्टिव्स पे बात की जाए तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर आपने ट्रेवल करना है बाहर तो आप उसके लिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं आपने ड्राइविंग करनी है आपका लाइसेंस बनेगा दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप एज अ मेल और फीमेल अपने आप को नाजरा में रजिस्टर करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू तो योर विश क्योंकि थर्ड तो कोई हमारे पास सेक्शन है नहीं तो इस वजह से आप मेल या फीमेल जहाँ आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो तीसरा इसका ये था कि इन लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे और घरों में हरासमेंट का सामना करना पड़ता था ये प्रोहिबिटेड किया गया था कि इनको कोई हरास नहीं करेगा फिर बात के अगले अगर हम एम की बात करें इसके तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसको जो है ना ख़त्म किया गया था कि अब इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर इक्वल रहेंगे ताकि मुल्क में इक्वलिटी बरकरार रहे उसके बाद फिर एक और इसका जो था इनको मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जैसे कि हम सब जानते हैं कि फोर्टी परसेंट ट्रांसजेंडर इलिटरेट हैं हमारे मुल्क में जो अपनी रोज़ी रोटी या तो एज अ डांसर काम करके कमा रहे हैं या एज़ अ सेक्स वर्कर वो काम करके कमा रहे हैं क्योंकि उनको उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनको जॉब्स तो मिल नहीं सकती लेकिन बहुत से लोग उनको वैसे भी कि ये ट्रांसजेंडर है इस वजह से भी नफ़रत का साम निशाना बनाते थे और जॉब्स नहीं देते थे इस चीज़ को ख़त्म किया गया कि अब ऐसा नहीं होगा अच्छा जैसे कि हम जानते हैं कि ये कम्युनिटी ग्रुप्स में रहती है और इनके जो एक लीडर होते हैं उनको गुरु कहा जाता है और वो इन सब से डिमांड करते हैं कि आप जाएं रोड्स पर जाएं लोगों के घरों में जाएं मांग कर लाएं तो इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया था कि अगर कोई ऐसा करेगा अगर कोई इनको फोर्सफुली पेन हैंडलिंग के लिए कहेगा तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा छः साल की उसको कैद की सज़ा दी जाएगी और पचास हज़ार रुपये के लगभग उनको जुर्माना किया जाएगा अच्छा जैसे कि फिर एक और एक मसला पेश आता था इनके साथ कि अगर इन्होंने कोई जुर्म कर दिया है तो जेल में जब इनको भेजा जाता था तो कभी मेल सेक्शन में भेज देते थे कभी फीमेल में भेज देते थे तो नहीं समझ आती थी ये भी अनकम्फर्टेबल होते थे तो यहाँ पर इनके लिए एक और आसानी की गई है कि जेल में सेपरेट रूम्स फॉर ट्रांसजेंडर्स बनाए गए हैं कि वहाँ पर इनको रखा जाएगा जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा से इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादियाँ होती आई हैं इनकी फैमिलीज़ ने इनको डिजोन कर दिया है रोडों पर रुलने लग गए फिर इन्होंने अपनी कम्यूनिटीज़ बनाई और जॉब्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो है ही नहीं अच्छा अगर कोई माँ बाप हमारे यहाँ ओन कर भी लें ऐसे बच्चों को और उनको पढ़ाना लिखाना चाहें तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी उनको जो है ना डिजोन करती है मजाक उड़ाती है वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं अच्छा रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें है कि जमयत इतिहादा पंजाब के सदर मौलाना अमीर उस्मान ने तमाम पाकिस्तानी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी जानब से इस एक्ट को पास करवाने की मजम्मत की है कौमी असम्बली से उनका कहना है कि ये जो एक्ट है ये सरहदी और कौमी नज़रियात पर सरासर हमला है क्योंकि हमारा मुल्क दीनी मुल्क है और ये जो है ना ये तो मकरू एजेंडा है और ये सरासर हमारे जो है ना वैल्यूज़ पर अटैक किया गया है उनका मज़ीद ये कहना है कि ये जो एक्ट है इससे हम जिन परस्ती पर जैसा मकरू अमल सामने आएगा जो मगरबी मग़रब की रिवायत है फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि मगरब अपनी तो ख़ानदानी रिवायतें ख़त्म कर चुका है उनका ख़ानदानी सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है और अब वो मुस्लिम माशरे के पीछे पड़ गया है जमीयत इतहादर्मा इस मसले को अवमी सतह पर उजागर करने के लिए चंद दिनों में इस्लामाबाद में एक सेमिनार मनकद करने वाली है उनके बकरौर ये जो एक्ट है ये फहाशी का ज़रिया बनेगा ये हमारे मुल्क में जो है शर्मनाक मोड़ इख्तियार कर लेगा हालांकि अगर आप गौर से इसको पढ़ें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी इसके ऑब्जेक्टिव बताए इस लॉ के तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर किया जा सके जिस तरह आम मर्दों और औरतों के हकूक़ हैं इनको भी वही हकूक दिए जा रहे हैं जो हुकूक अभी इनको मिले भी नहीं हैं प्रॉपरली लेकिन एतराजा उस पर पहले से शुरू हो गए हैं अच्छा अब हम जैसे बात करें हम ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं तो जिस तरह अगर हम इस्लामिक सोसाइटी पे रख के बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें तो दो बहुत ही मशहूर केसेज सामने आए थे ईरान और इजिप्ट के हम पहले केस पर बात करते हैं ईरान का केस जो अल अजहर यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी का था स्टूडेंट का नाम था सैयद अब्दुल्ला जिनको कुछ अपने बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले गए उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया साइकोलॉजिस्ट ने उनका पूरा जो है मुआयना करने के बाद उनको बताया कि उनको साइकोलॉजिकल हर्माफ्रोडटिज़म है जो हमारे देखने वाले साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से वाबस्त हैं उनको अंदाज़ा होगा इस टर्म का डी एन एस फाइव में भी अब इसको ऐड कर दिया गया है तो ये डायग्नोज़ होने के बाद ये डिज़ॉर्डर डायग्नोज होने के बाद उनका तीन साल तक कम से कम ट्रीटमेंट चला तीन साल ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर ने साइकोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह वो उनकी मेल सेक्सुअलिटी को रिस्टोर कर सकें लेकिन जब उसमें नाकाम हुए तो उन्होंने कहा कि इसका आखिरी हल जो है वो सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी ही है जब सैयद अब्दुल्ला सर्जन के पास गए उनसे कंसल्ट किया तो सर्जन ने उनको एक और साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया कि नहीं आप आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है जब दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने जब पूरा उनका चेकअप किया जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की तो उन्होंने भी यही कहा कि सर्जरी ही होगी उसके बाद उनकी सर्जरी की गई जिसके बाद वो एक लड़की बन गए और उन्होंने अपना नाम सैयद अब्दुल्ला से चेंज करके सैली रख लिया जब वो एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर उनके डीन ने उनको मेल रूम जो था मेल एग्ज़ामिनर रूम जो था वहाँ पर उनको बैठने नहीं दिया अलाउ नहीं किया फिर उन्होंने उनको फ़ीमेल रूम में भी नहीं बैठने दिया वहाँ पर भी अलाउ नहीं किया उन्होंने कहा कि आपकी अभी कोई मतलब आपकी नई आइडेंटिटी है एक वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है फिर जो सैली थी वो गई अथॉरिटीज़ के पास के उन्होंने अपना नाम वाम चेंज करवाया ये केस जब सामने आया पब्लिक हुआ तो इसके ऊपर एक केस शुरू हो गया लीगली कि डॉक्टर के ऊपर के केस हुआ कि के उन्होंने गलत सर्जरी की है क्योंकि जो सैयद अब्दुल्ला थे वो तो बाकायदा तौर पर एक मर्द थे मेल थे और डॉक्टर ने गलत सर्जरी कर दी गई है फिर जब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे गए डॉक्टर से बात हुई साइकोलॉजिस्ट से बात हुई तो उसके बाद ये नतीजा अखज़ हुआ कि वो फिज़िकली तो मेल ही थे लेकिन वो साइकोलॉजिकली वुमेन थे उनकी जो जितनी भी वो डिज़ायर्स थी सारा कुछ वो फीमेल्स वाला था अब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा मसला था तो जो उस वक्त के शेख थे शेख मोहम्मद अल तंतवी उनके पास फतवा लेने के लिए गए उन्होंने जब सारा कुछ देखा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अगर ये मामला ऐसे था कि इस चीज़ का इस डिसऑर्डर का कोई और इलाज नहीं था तो फिर सर्जरी की परमिशन है फिर सर्जरी हो सकती है अच्छा फिर इसी तरह हम एक और केस की अगर बात करें तो यहाँ पर सैली वाले केस में तो ये था ना कि आफ्टर प्यूबर्टी उनको रियलाइज़ हुआ कि वो मेल नहीं है और उन्होंने अपना सारा ट्रीट केस ट्रीटमेंट करवाया पहले उसके बाद फिर सर्जरी वगैरह लेकिन इस केस में फरीदून मुलकारा जो थे उनको बचपन से ही एहसास होता था उनकी ख्वाहिश थी कि काश वो एक लड़की होते यही वजह थी कि उन्होंने कभी लड़कों वाले लड़कों वाले खिलौनों से नहीं खेला वो हमेशा डॉल से खेलते थे जब उनकी फ़ैमिली ने नोट करना शुरू किया तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया मारा पीटा लेकिन क्योंकि ये एक नेचुरल फिनमिना था तो उनको उस चीज़ से वो हटा नहीं सके फिर आगे जाके उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया फरीदुलमुल ने फिर 18 साल की उम्र में वो उनको पता चला कि वो अकेले ऐसे नहीं हैं उनकी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं यानी कि अट्ठारह साल की उम्र में वो ट्रांस दूसरे ट्रांसजेंडर से मिले फिर जब वो 1975 में उन्होंने इरानियन जो टेलीविज़न था उसमें काम किया औरतों के लिबास में वो वुमेन क्लोथिंग करते थे औरतों की तरह सस्ते संवरते थे और फिर वो बाहर जाते थे जिसकी वजह से उनको दूसरे जो लड़के थे उनको सिस्टर कह के बुलाते थे उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उनको ज़हर सी बात है बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है फिर उन्होंने जब साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो साइकोलॉजिस्ट ने उनको बताया कि आपकी सरज आपकी सर्जरी ही होगी उसके अलावा कोई आपका इलाज नहीं है अब क्योंकि वो मुसलमान थे उनको अपने अकायद पे भी गौर करना था तो उन्होंने उस वक्त के मुफ़्ती को ख़त लिखा जो जिनका नाम था आयतुल आयतुल्खुमैैनी आयातुल्ल खुमैनी को ख़त लिखा कि अपनी सारी सिचुएशन डिस्कस की उन्होंने बताया कि मुझे ये ये मसला है मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं तो आयातुल्ल खुमैनी उस वक्त इराक़ में थे आई थिंक तो उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है इसका कोई जो है ना ऑल्टरनेट नहीं है कि हम आपको परमिशन दे सकें ये बिल्कुल ही जो है ना नहीं हो सकता फिर ज़िंदगी चलती रही ऐसे क्रिटिसिज्म और सारा कुछ मुश्किल का सामना करते हुए ज़िंदगी गुजरती गई फिर उन्होंने दोबारा एक दफ़ा ख़त लिखा उनको फिर अपना मामला डिस्कस किया फिर बताया कि उनको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लेकिन आयतुल्ला खुमैनी की तरफ से फिर रद्द कर दी गई उनकी दरख्वास्त तीसरी बार फिर उन्होंने कुछ अर्से बाद उन्होंने सोचा कि ख़ुद जाकर मिलना चाहिए उनसे जब वो उनसे मिलने गए तो वो मर्दों वाले कपड़ों में थे वो जब वहाँ पर गए तो उनको मार भी पड़ी वहाँ पर उनके गार्ड्स ने फिर जब आयतल खुमैनी के भाई की नज़र पड़ी तो उन्होंने उनको छुड़वाया और आयतल खुमैनी के लिविंग रूम तक पहुँचाया जब वो वहाँ गए तो उनको ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया क्योंकि इतनी स्ट्रगल की थी इतनी स्ट्रगल की थी और अब वो उस जगह पर थे जहाँ पर उनकी मुश्किल का हल निकल सकता था जब वो आयतुल्ला खी से मिले उन्होंने उनसे जो है ना अपना सारा मसला दोबारा डिस्कस किया उनको बताया कि मैं इन इन मुश्किल का सामना करना, कर रहा हूँ मुझे साइकोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है सारे जब फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे तो आयतुल्ला खुमैनी ने अपने पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम बिठाई जिनसे उन्होंने डिस्कस करने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने फतवा दिया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप सर्जरी करवा सकते हो क्योंकि इस्लाम फ्लेक्सिबल है इस्लाम सबके लिए है उसमें हर चीज़ की गुंजाइश निकलती है उन्होंने उनके लिए गुंजाइश निकाली अच्छा फिर जब मलकारा ने फतवा ले लिया उसके बाद उन्होंने सर्जरी करवाई उन्होंने उसके बाद अपना नाम मलकारा से चेंज करके मरियम खातून रखा उसके बाद उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ईरान में बहुत काम किया एन जी ओज बनवाएं और, और बेतहाशा काम किए यही वजह है कि ईरान आज पहले नंबर पर आता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लॉज बनाने में शरिया और ऑफिस लीगल दोनों लॉज बनाने में ईरान पहले नंबर पर आते हैं उनको एक्सेप्ट करने में पहले नंबर पर आते हैं यही वजह है कि उनकी जितनी भी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी वो साठ साल की एज में उनकी डेथ हुई फिर लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल में गुजारी और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए उन्होंने ईरान का नाम रोशन किया लेकिन हमारे मुल्क में इसका उल्टा हो रहा है जिस तरह इस्लाम में हर मजहब और हर तबके के लिए गुंजाइश निकलती है हमें चाहिए कि हम इनके लिए भी गुंजाइश निकालें इनकी ज़िंदियाँ पहले ही बहुत मुश्किल का सामना इनको करना पड़ता है हमें चाहिए कि हम इनके लिए आसानी पैदा करें मरियम खातून और सैली हमारे सामने दो बहुत बड़ी मिसालें हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया लेकिन अपने लिए लड़ी और एक मिसाल कायम की अगर हम इन लोगों को मौका दें तो ये भी बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकते हैं नाजुन ये था हमारा आज का प्रोग्राम मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़